We are joined by Umar Khalid, the JNU scholar, is once again in news for some controversial speech he has made in Maharashtra during Dalit protest. Umar, what happened actually, and why did you go there in Maharashtra after which the entire controversy started? देखिए पिछले तीन चार दिनों में जिस तरीके से पूरा मीडिया ट्रायल हुआ है उसमें जो तथ्य हैं वो बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश किए गए हैं और एक पूरा एक मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन चलाया गया है. तो बहुत ज़रूरी है जो फैक्ट्स हैं उसको सामने रखा जाए. महाराष्ट्र में गया क्योंकि महाराष्ट्र में एल्गार परिषद नाम से कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, जहाँ आयोजकों ने मुझे ये इन्विटेशन दिया कि आप आइए और इस एल्गार परिषद को एड्रेस कीजिए. मैं अकेला नहीं था, जिग्नेश मेवानी और मैं दो सिर्फ स्पीकर नहीं थे, छः सात लोग वहाँ उस एल्गार परिषद में बात रखे जिसमें राधिका वेमुला थी, दोनता प्रशांत थे, सोनी सोरीन थी, प्रकाश अंबेडकर थे और भी कई सारे लोग थे, विनय रतन थे भीम आर्मी के. 31 तारीख को ये प्रोग्राम पुणे में रखा गया, मैंने वहाँ अपनी बात रखी. प्रोग्राम अराउंड रात के 9:30-10 बजे तक ख़त्म हुआ और हम लोग वहाँ से जहाँ हम रुके थे वापस चले गए. अगले दिन 1 जनवरी 2018 भीमा कोरेगाँव जो पुणे से 30 किलोमीटर दूर है वहाँ ये हिंसा हुई और जो वीडियो इस हिंसा के आए हैं वो बहुत क्लियर तौर पे दिखा रहे हैं कि जो लोग वहाँ दलितों को जाके जिन्होंने हमला किया वो भगवे झंडे लेके गए हैं और वहाँ पे दलितों पे अनप्रोवोक्ड एक पीसफुल गैदरिंग को उन्होंने अटैक किया. ये खबर मुझे 1 जनवरी में रात को पता चली पुणे के अंदर. तो जब ये हिंसा हुई मैं पुणे भीमा कोरेगाँव से 30 किलोमीटर दूर पुणे में था और मेरा कोई प्लान भी नहीं था भीमा कोरेगाँव जाने का. तो ये बोलना कि मैं वहाँ गया और मैं वहाँ जाके अपनी इस पूरे दंगे को हिंसा को भड़काया, ये बिल्कुल सही बात नहीं है. जहाँ तक बात मेरी स्पीच पे आती है कि मैंने स्पीच दी पुणे के अंदर उसके चलते ये कुछ हुआ और ये बताया जा रहा है कि उस स्पीच में बहुत प्रोवोकेशन था, उस स्पीच में बहुत नफरत थी, तो वो स्पीच पब्लिक डोमेन में है, यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स में है, सोशल मीडिया में घूम रही है. मैं अपील करता हूँ सारे लोग उस स्पीच को देखें और मुझे बताएं उसमें क्या प्रोवोकेटिव था, क्या कॉन्ट्रोवर्शियल था और ये जो पूरा एक मीडिया का प्रोपागेंडा है उसको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है. जो कुछ हुआ मेरे मानना है कि बहुत नियोजित था, बहुत प्लान्ड था और जो संघीय ताकतें वहाँ हैं, जो भगवाधारी ताकतें वहाँ हैं, उन्होंने एक बार फिर अपना जातिवादी चेहरा दिखा के वहाँ दलितों पे हमला किया है. और ये जो पूरे प्लानिंग था उसी जातिवादी हमले की प्लानिंग ये भी है कि वहाँ उमर खालिद को और जिग्नेश मेवानी को टारगेट किया गया. इस पूरे गेम प्लान को हमको समझना है. वो लोग खुश नहीं थे कि इतनी बड़ी तादाद में दलित और सिर्फ दलित नहीं, तमाम वो समुदाय जो आज महाराष्ट्र के अंदर मोदी सरकार केंद्र में और फडणवीस सरकार वहाँ राज्य में, उनकी जो आर्थिक और जो सांस्कृतिक पूरा एजेंडा है उससे प्रताड़ित है, उससे अफेक्टेड है, उन सारे लोग साथ में आए थे, चाहे वो दलित हो, चाहे वो वामपंथी संगठन हो, चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे वो मजदूर संगठन हो, किसान संगठन हो, महिला संगठन हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे संगठन भी सोनी सोनी बस्तर से आई थी, मुसलमान संगठन, ये तमाम लोग वहाँ शामिल थे, इवन मराठा संगठन भी वहाँ शामिल थे. और इन पूरे दिनों अराउंड 24 दिसंबर से एक यात्रा निकाली गई महाराष्ट्र में जो खासतौर से मराठवाड़ा रीजन को जिसने क्रॉस किया, वो मराठवाड़ा जहाँ बहुत एक्यूट किस्म का एग्रीरियन क्राइसिस है, कृषि की संकट आई हुई है, सूखा पड़ा हुआ है, पिछले कुछ दिनों में इतने सारे केसेस हम सामने आए हैं जहाँ किसानों ने आत्महत्या करी है, वो किसान दलित भी हैं, मराठा भी हैं और ये पूरा जो इनकी आर्थिक नीतियाँ उससे प्रताड़ित हैं. तो ये सारे लोग एक साथ आए थे और वो उस ब्राह्मणवादी ताकतों को क्वेश्चन किया था, ये जो पूरी फांसीवादी ताकतें हैं इन पर सवाल उठाया था और इस चीज़ को भटकाने के लिए, उस एकता को तोड़ने के लिए ये पूरा क्लैश वहाँ बिल्कुल नियोजित तरीके से प्लान किया गया. वहाँ हम देख सकते हैं वीडियो में संघी लोगों ने जाके ये हमला किया और उसके बाद जो पूरा प्रोपेगेंडा किया गया कि कास्ट क्लैश है मराठा और दलितों के बीच में, ये मिस इन्फॉर्मेशन है. वहाँ कुछ ताकतें जिनको आज सत्ता का समर्थन है इस किस्म का उन्माद फैला रही है और उस चीज़ को छुपाने के लिए कुछ लोगों के नाम बताए जा रहे हैं. जितनी बार उमर खालिद और जिग्नेश मेवानी का नाम पिछले कुछ दिनों में टीवी ने दिखाया उतनी बार या उससे आधी बार शायद आप मिलिंद एक बोते साहब का और शंबाजी भीड़ साहब का भी नाम बता देते, ये बता देते उन पर 307 का मुकदमा लगा अटेम्प्ट टू मर्डर का, ये बता देते एस सी एस टी प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटी एक्ट लगाए, दोनों नॉन बेरेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इस बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इतनी बार तोड़ मरोड़ के कोई छोटा सा पार्ट स्पीच का निकाल के हम लोगों को दिखाया जा रहा है. वो स्पीच भी सुनाई है ना जो जनवरी 2014 में नरेंद्र मोदी ने दी थी महाराष्ट्र के अंदर, जहां संभाजी भीड़ जो आज अटेम्प्ट टू मर्डर और एस सी एस टी प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटी एक्ट है उनको प्रधानमंत्री ने बोला था कि ये मेरे इंस्पिरेशन है, मैं इनसे बहुत प्रेरित हूँ, ये गुरुजी हैं, ये बहुत महापुरुष हैं, तपस्वी हैं, ये बात पे क्यों चर्चा नहीं हो रही? इस वीडियो को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? इस वीडियो को क्यों नहीं दिखाया जा रहा कि जब वहाँ प्रधानमंत्री ये स्पीच दे रहे थे तो महाराष्ट्र के जो अभी मुख्यमंत्री हैं फडणवीस साहब वो भी स्टेज में मौजूद थे. तो बहुत क्लियर है कि जो ताकतें हैं उनको बचाना है और उनको बचाने के लिए कुछ लोगों को फंसाना है और उस फंसाने की साजिश में मेरा नाम सामने आ रहा है. ऐसा क्यों होता है उमर कि जहाँ कहीं भी आप जाते हैं इस तरह की कंट्रोवर्सी आती है सामने? देखिए ऐसा नहीं होता जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ इस तरह की कंट्रोवर्सी आती है, रादर जहाँ कहीं भी आरएसएस मजबूत अपने आप को फील कर रहा है
वहां हमले हो रहे हैं, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो ऊना हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे तमाम वो इलाके एचसीयू में। आप देखिए, 2 साल होने वाले हैं रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या को। मैं एचसीयू गया था जब रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या करी गई, ना मैं ऊना गया था जब 4 दलितों को वहां मारा गया गौरक्षकों द्वारा, ना मैं सहारनपुर गया था जब वहां योगी सरकार के आने के बाद वहां दलितों के घर जलाए गए। जहां जहां आरएसएस हमारे देश में है, वो आरएसएस उन्माद फैला रही है। ये उनका सांस्कृतिक एजेंडा तो है, लेकिन अभी खासतौर पर आप देखिए, पूरा साल इस किस्म के हमले दलितों पर, मुसलमानों पर बार बार होते रहेंगे, क्योंकि मोदी साहब ने जितने वादे किए थे 2014 में, क्या क्या ख्वाब दिखाए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, देश में विकास होगा, बदहाली खत्म हो जाएगी, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार 15 लाख सब लोगों के बैंक में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, कहाँ है वो सारे वादे? सब जुमले साबित हो गए हैं। सामने आ गया कि 2 करोड़ रोजगार क्या, उसका 5% रोजगार भी नहीं बना है। सामने आ गया कि अभी 12,000 किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, 1,000 किसान हर महीने आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, हर घंटे में अराउंड 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन सवालों पर चर्चा ना हो, मैं महाराष्ट्र गया था, उस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड्स होते हैं। पिछले 6 महीने पहले फडणवीस साहब ने कोई लोन वेवर स्कीम निकाली थी, उतना ही बड़ा जुमला है जितना मोदी साहब का 15 लाख का जुमला है। अब इस सवाल पर बात ना हो तो उन्माद पैदा करो, बात करो लव जिहाद के बारे में, बात करो राम मंदिर के बारे में, वहां मुसलमानों पे, दलितों पे हिंसा करो, और उसको दिखाओ कास्ट क्लैश है, उसको दिखाओ कि 2 कम्युनिटीज के बीच में क्लैश है, जबकि कुछ ताकतें हैं जो हमारे देश के संविधान को, हमारे देश के लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इन खतरे को हमको समझना है, ये मानवता के खिलाफ खतरा है। और इस सब जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, इन पर सवाल ना खड़े किया जाए तो एक सॉफ्ट टारगेट चुन लीजिए। उमर खालिद नाम भी मुसलमान है, पिछली बार तो पाकिस्तान से जोड़ दिया था, मुझे शुक्र मनाना चाहिए इस बार पाकिस्तान से नहीं जोड़ा है मुझे। और चलिए मान लीजिए दलील के तौर पे कि उमर खालिद नहीं है, कल को आप उमर खालिद को आप जो जो बोल रहे हैं, जब मैं कोई फेसबुक लाइव करता है तो वहां बहुत सारी गालियां भी आती हैं, शायद अभी भी गालियां दे रहे होंगे, कोई बात नहीं, कोई बोलता है चौराहे पे लटका के मार दो, कोई बोलता है फांसी दे दो, कोई बोलता है गोली मार दो। मान लीजिए आपने कल को गोली मार दी उमर खालिद को, फांसी पे लटका दिया, चौराहे पे मार दिया, कि जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा? ये बात जो एक जो रियलिटी हमारे देश के सामने है कि नोटबंदी एक फेलियर है जिसने देश की अर्थतंत्र को, इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, क्या वो समस्या सॉल्व हो जाएगी? कि जो रोजगार की बात हो रही थी, क्या वो रोजगार आ जाएंगे? जो जीएसटी ने आपका पूरा छोटे बिजनेस को तबाह कर दिया, अगर आपका छोटा बिजनेस है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या किसान आत्महत्या करना बंद कर देंगे? क्या लोगों को शिक्षा मिलनी शुरू हो जाएगी? अब इन सवालों पर चर्चा ना हो, इसलिए उमर खालिद को बार बार लाया जाता है, उमर खालिद को हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, तो ये समस्या तो सॉल्व नहीं होगी। तो अगर उमर खालिद को बार बार लाया जा रहा है, तो इसलिए लाया जा रहा है कि आप उस सवाल पर बात ना करें। और यहां जितनी भी आवाजें, चाहे वो मैं हूं या बहुत सारे लोग, मैं अकेला नहीं हूं, ये पूरा कलेक्टिव फाइट है, जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं उनको ब्रांड किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको जान से मार दिया जा रहा है। उसी महाराष्ट्र में, उसी पुणे शहर में जहां मैं गया था, वहां दाभोलकर साहब को कुछ सालों पहले मार दिया था। दाभोलकर साहब के हत्या में कौन लोग शामिल है, कौन सी ताकतें शामिल है? कलबुर्गी की हत्या में कौन लोग शामिल है? पंसारे की हत्या में कौन लोग शामिल है? गौरी लंकेश की हत्या में कौन लोग शामिल है? ये आवाजों को दबाना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं, लेकिन डरे हुए ये हैं, ये डरे हुए हैं क्योंकि जानते हैं जितने आंदोलन है, चाहे वो छात्र आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, दलितों का आंदोलन हो, सब साथ आ रहे हैं, और वो जानते हैं अगर ये साथ आ जाए तो मोदी साहब की सत्ता गिर जाएगी। एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस भी होना था मुंबई में, जिसको एट द 11th आवर कैंसिल किया गया, कैसे देखते हैं आप इसको? एक तरह का स्टूडेंट वॉइस कप करना है, थ्रॉटल करना है, किस तरह से आप इसको देखते? देखिए, हमारे देश में एक समय आपातकाल घोषित करके किया गया था, अभी अघोषित आपातकाल चल रहा है। कॉन्फ्रेंस करना, संगठित होना, प्रतिरोध करना, प्रोटेस्ट करना, ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में बहुत पीसफुली वहाँ दलित कॉन्ग्रिगेट हुए, उन पर हमला किया गया, पीसफुल एक गैदरिंग पर हमला किया गया। 4 जनवरी को मुंबई में बहुत सारे छात्र जाके ऑडिटोरियम में, हम लोग का प्रोग्राम तो सुनना है, उन सबको डिटेन कर लिया गया। समस्या आपको हमसे, आप जाके सारे उन लोगों को डिटेन कर ले रहे हैं, आप उनसे संवैधानिक अधिकार छीन ले रहे हैं कि लोग जाके बात करें, बात रख पाए, छात्र बात रख पाए। क्योंकि आप देख लीजिए, इतने विद्रोह इस सरकार के खिलाफ इस देश के अंदर हो रहे हैं, इतने आंदोलन इस सरकार के खिलाफ इस देश के अंदर हो रहे हैं, सब वो टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखते, लेकिन इसका मतलब नहीं है नहीं हो रहे हैं वो, अब ये घबरा चुके हैं। और इस किस्म के सेंसरशिप, इस किस्म का बैन, इस किस्म के गैग्स वो बार बार करेंगे, और खासतौर से मैं बोल रहा हूँ 2018 तो वो साल है जब वो सांप्रदायिक लेवल पे करेंगे। तो इस पूरा जो साजिश है, इसको बेनकाब करना है, और जो हमारे असली मुद्दे हैं उनको आगे लेकर आना है। और ये जो फाशीवादी राज है, ये फाशीवादी शासन है, आनंद कुमार हेगड़े साहब क्या बोल रहे थे कि हमको संविधान को बदलना है, लोगों को धर्मनिरपेक्ष अपने आप को नहीं बोलना चाहिए, धर्म और जाति के नाम पर अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये खतरा हमारे देश में है, हमको जातिवादी बोल रहे हैं क्योंकि हम जाति के उन्मूलन की बात कर रहे हैं, हम जाति के खात्मे की बात कर रहे हैं। आनंद कुमार हेगड़े साहब की राजनीति क्या है? आनंद कुमार हेगड़े साहब का पर्सपेक्टिव क्या है? क्या विकास की बात कर रहे थे वो? योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं कि दलितों को शैम्पू भेजते हैं,
साबुन बेचते हैं उनको विजिट करने से पहले, वो क्या है? क्या वो शुद्धिकरण है, स्वच्छ भारत है, या उनकी सड़ी हुई मानसिकता को दिखाता है? अगर इस देश में कोई जातिवादी संगठन है, घोर जातिवादी संगठन है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और वो पहले दिन से इसी चीज के लिए काम कर रहा है। आज वो चाहे रोहित वेमुला की घटना हो, ऊना की घटना हो, सहारनपुर की घटना हो, या भीमा कोरेगांव की घटना हो, ये भाजपा का आरएसएस का एक ब्राह्मणवादी जातिवादी चरित्र सामने लेकर आता है। आप एक केस भी फाइल हुआ है आप और जिग्नेश मेवानी पे पुणे में, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, मेरे पे केस फाइल हुआ है ये बात तो मुझे सूचना सिर्फ मीडिया से मिली है। अभी तक पुणे पुलिस ने मुझसे निजी तौर पे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। अगर वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। आई एम कॉन्फिडेंट कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आई एम कॉन्फिडेंट कि ये पूरा फैब्रिकेटेड केस है, और आई एम कॉन्फिडेंट अगर ये केस कल को इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया भी जाता है तो मैं बेकसूर साबित होऊंगा। एक केस तो इन्होंने लगाया था 2 साल पहले, आज तक वो आरोप पत्र दर्ज नहीं कर पाए हैं, और मुझे पूरा भरोसा आगे भी आरोप पत्र दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आरोप पत्र दर्ज करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सामने आ जाएगी बात कितना सच है कितना झूठ है। इसलिए दे डोंट वांट टू पुट दिस केसेस इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये केसेस वो कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में करना चाहते हैं, और वो पब्लिक ओपिनियन जनरेट करेंगे इनकी जो गोदी मीडिया है, जो इनके भाड़े के एंकर हैं, जो बीजेपी के सांसदों के पैसों से चैनल चलते हैं, उन चैनलों में मीडिया ट्रायल करके हमको बदनाम करके, अगर इनको लग रहा है कि जनता अपने जो बुनियादी सवाल है उससे भटक जाएगी, तो हिंदुस्तान की जनता के कलेक्टिव IQ पर सवाल है, और हिंदुस्तान की जनता के कलेक्टिव IQ इतना छोटा नहीं है अर्णब गोस्वामी साहब। इसमें सिर्फ अर्णब गोस्वामी अकेले नहीं है, और भी लोग हैं। रोहित सरदाना ने सबसे पहले वो चलाया था आज तक पे कि उमर खालिद गए थे वहाँ पे। इसको आप किस तरह से देखते हैं, उमर के जहाँ कहीं भी अगर उमर का प्रेजेंस है तो उसको एक डिफरेंट लाइट में पेंट किया जाए, व्हाट इज़ दिस अटेम्प्ट एट, इससे क्या क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं, आप इसको कैसे देखना चाहते हैं? देखिए, ये इनके सांप्रदायिक राजनीति को भी दिखाता है। मेरे साथ गिरफ्तार होने में अनिर्बान भी मेरे साथ शामिल थे, कन्हैया पहले गिरफ्तार हुए थे, मैं और अनिर्बान साथ में गिरफ्तार हुए, साथ में हम लोगों को बेल मिला, एक बेल ऑर्डर मिला, हम एक संगठन में काम करते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करते, वो भी बहुत जगह जाके बात रखते हैं, लेकिन उमर खालिद के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि वो जितनी मनगढ़ंत कहानियां हैं, जो क्या क्या सुनाया था फरवरी 2016 में कि 2 बार पाकिस्तान होकर आया है, जैश ए मोहम्मद से लिंक है, 18 राज्यों में अफजल गुरु को लेकर प्रोग्राम कर रहा था, 800 फोन कॉल आए थे 5 दिन 6 दिन में, अब वो सब सामने आ गए, वो सारे झूठ थे, माफी तो दूर की बात, आज तक उन्होंने वो न्यूज़ को वापस भी नहीं लिया है, अब फिर से एक बार ही वो पूरा एक एजेंडा वो शुरू कर रहे हैं। कल को मैंने देखा कि कोई बीजेपी के आरएसएस की कोई किश्वर नाम से कोई उनकी आइडियोलॉग है या उनके थिंकर हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि अनदर जाकिर नायक इन मेकिंग, मतलब एक वामपंथी इंसान को आप जाकिर नायक से कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर नाम उमर खालिद है तो आप उसको इमीडिएट आइडेंटिटी पे, जो रोहित वेमुला ने बोला था, आप उसको रिड्यूस कर देंगे। ये इनका जो बिल्कुल सड़ी हुई मानसिकता है उसको दिखाता है, और उनको लग रहा है कि देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि बस आप एक नाम ले लीजिए और इन सारे सवालों पर बात करना बंद कर देंगे, और उस नाम को आप, उस इंसान को आप चुप करा देंगे, तो आप बहुत बड़े मुगालते में हैं। आप सारे एंकर से मेरी अपील है कि आप लोग बाहर आ जाइए, और मैं उम्मीद करता हूँ एक दिन आप जस्टिस लोहिया के बारे में बात करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ एक दिन आप नजीब अहमद के बारे में बात करेंगे, रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या को 2 साल हो जाएंगे 17 जनवरी में, मैं उम्मीद करता हूँ आपका प्राइम टाइम इस बार रोहित वेमुला पर होगा 17 जनवरी को।